हेलो एंड वेलकम टू आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल रेफरेंस का सबसे तीसरा पार्ट, इंपॉर्टेंट और खूबसूरत भी। और ये जो सेल रेफरेंस हम सीखेंगे ये आपके रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मिक्स है, जहां पर आप क्या करते हैं कि किसी सेल रेफरेंस को देते समय आप या तो कॉलम को या फिर रो को, दोनों में से किसी एक चीज को पर्टिकुलरली आप फिक्स करते हैं। इसको और भी अच्छे से हम समझते हैं उसके लिए हमने वही पुराना एग्जांपल लिया है जहां पर मैंने दो तीन वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 250, 650 और 800। और मैं आप क्या करता हूं कि इन वैल्यूज का सम करता हूं, तो उसके लिए मैं टाइप करता हूं इज इक्वल टू C6 प्लस C7 प्लस C8 और मैं एंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा कि इन तीनों की वैल्यूज का आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा नॉर्मल, तो आपका ये बन जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं जहां पर आपके सेल रेफरेंस मूव होते ही आपके सेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं। अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इन तीनों को फिक्स कर देता हूं और उसके बाद कॉपी पेस्ट करता हूं, तो ये आपका बन जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जहां पर कॉपी और पेस्ट करने के बाद भी आपके जो सेल के एड्रेसेस हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। जबकि तीसरा जो है वो है इनसे बिल्कुल अलग, जहां पर हम क्या करते हैं रो या फिर कॉलम के अंदर से सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज को एब्सोल्यूट रखते हैं और दूसरे को रिलेटिव रखते हैं। जैसे इज इक्वल टू ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल। अब यहां पर जो ये तीनों सेल्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपके C6, C7, C8, ये जो सेल बने हुए होते हैं, कोई भी सेल एक्सेल के अंदर रो और कॉलम से मिलकर बनता है, तो मैं क्या करूंगा इस फॉर्मूले को एडिट करूंगा और एडिट करने के बाद यहां पर सी को यानी कि कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा यानी कि फिक्स कर दूंगा। और कॉलम को फ्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर F4 नहीं प्रेस करूंगा, क्योंकि अगर मैं F4 प्रेस करूंगा तो मेरा ये पूरा का पूरा C6 फ्रीज हो जाएगा, पूरा का पूरा C6 एब्सोल्यूट हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है, तो मैं कॉलम के सी के आगे आऊंगा और यहां पर टाइप कर दूंगा डॉलर। अब क्या हुआ, यहां पर जो मेरा सी कॉलम है वो तो फिक्स हो गया, लेकिन जो मेरी सिक्स रो है वो फिक्स नहीं हुई है, वो रिलेटिव ही है। ठीक इसी तरीके से मैं यहां पर C7 के आगे डॉलर लगा देता हूं और मैं यहां पर C8 के आगे डॉलर लगा देता हूं। अब मैं जब एंटर करूंगा और एंटर कर देने के बाद मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करूंगा यहां पर, तो आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा। ये देख रहे हैं आप, आंसर जीरो आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि जब आपने कॉपी पेस्ट किया तो एक्सेल ने क्या किया, इसके रिलेटिवली जो सी कॉलम से जिनके आगे डॉलर लगा हुआ था उनको तो फिक्स कर दिया, उनको इंटरचेंज नहीं किया, लेकिन जो इनके सेल एड्रेसेस रो नंबर थे उनको इसने रिलेटिव रखा, जो कि कॉपी पेस्ट होते ये इस सेल के अकॉर्डिंग, ये देख रहे हैं आप, इन तीनों सेल्स के अकॉर्डिंग 11, 12 और 13 में कन्वर्ट हो गए। और 11, 12 और 13 में कन्वर्ट होने के बाद आंसर जीरो आया, क्योंकि 11, 12 और 13 सेल्स के अंदर आपने कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाऊं, जहां पर मैं क्या करता हूं आपके इस बार रो को फिक्स करता हूं, तो मैं क्या करूंगा रो नंबर के आगे डॉलर लगा दूंगा और कॉलम्स के आगे से जो डॉलर है वो हटा दूंगा। अब क्या हुआ कि सी सी सी, ये जो सी कॉलम है वो पूरी तरीके से रिलेटिव है। जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो यहां पर कॉलम नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा, जबकि रो नंबर जो है वो फिक्स रहेगा। तो मैं करता हूं एंटर और एंटर करने के बाद इस बार करता हूं कॉपी, और जब मैंने कॉपी पेस्ट किया और F2 करता हूं तो आप देखेंगे कि इस बार जो रो नंबर है 6, 7 और 8 ये तो अपने आप ही रिलेटिवली फिक्स है यहां की तरह, लेकिन जो कॉलम नंबर है H वो अपने आप चेंज हो चुका है। यहां पर आपका C कॉलम नंबर था जबकि यहां पर आपका कॉलम नंबर H हो गया है। तो ये होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जहां पर हम क्या करते हैं या तो किसी सेल एड्रेस के कॉलम को फिक्स कर देते हैं या फिर किसी रो को फिक्स कर देते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि आप एक्सेल के अंदर मिक्स्ड सेल रेफरेंस को कैसे यूज करते हैं। अब
नेक्स्ट जब मैं कभी आगे इन फ्यूचर में एक आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक वीडियो बनाऊंगा एडवांस लेवल की, जहां पर मैं आपको मिक्स सेल रेफरेंस का एक खूबसूरत एग्जांपल यूज करके दिखाऊंगा, जिसको सीखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ मिक्स सेल रेफरेंस में अभी भी दम है। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखना कि मिक्स सेल रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कॉमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की जो अपडेट्स है वो मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।